Hello students, how are you? Welcome to class 7. Today we are going to learn mathematics. देखिए हम लोग का जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे हमें इस प्रकार कोई इक्वेशन दे दी जाए x² - 5x + 6 दैट इज, कौन सी इक्वेशन कहलाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बीजगणितीय एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में कुछ हम लोग को बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी पहले, तभी हम लोग इस पे इसके एक्सरसाइजों को इसके टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इस टाइम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। बात करते हैं कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट जो होता है वो हमारा एक अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। अब देखिए आप देख रहे हैं मैंने एग्जाम्पल में पहले से लिख रखा है कि आपको कम से कम आपका समय लगे और हर चीज जल्दी से आपको क्लियर हो। देखिए 8, -73 ये 8 क्या है? कांस्टेंट है। -73 क्या है? कांस्टेंट है। 5, 13 क्या? कांस्टेंट है। इस प्रकार के अगर आपको नंबर कहीं मिल जाते हैं तो उसे आप क्या बताएंगे? कांस्टेंट बताएंगे। लेकिन ये नंबर मिलते हैं आपको इक्वेशन में मिलेंगे। जैसे आप देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा था मैंने x² - 5x + 6 लिखा था, तो 6 क्या है? कांस्टेंट है। 6 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ओके सर, आप देखिए हम लोग बात करते हैं वेरिएबल की। बात करते हैं वेरिएबल तो आप जानते हैं, नॉन वेरिएबल भी आप जानते हैं, क्लास 6 से पढ़ के हुए आए हुए हैं कि वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो आप देख रहे हैं x, y, z लिखा, एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब और भी है, यानी अल्फाबेट कह सकते हैं। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? हमारे नंबर्स होते हैं, ये नॉन वेरिएबल नंबर हो गए हमारे। टर्म क्वेश्चन होता है, एक टर्म हैज 3 पार्ट्स। जो टर्म होता है, टर्म का मतलब पद होता है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है, यानी एक टर्म हैज 3 पार्ट्स। वेरिएबल में पावर में, पावर का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा ना मैथ में, एक्सपोनेंट पावर। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, टर्म के 3 पार्ट होते हैं, वेरिएबल, पावर और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं। चलो ओके, अब लोग बात करते हैं लाइक टर्म की। लाइकी, लाइकी तो सुना होगा ना, लाइकी लोग करते हैं, लाइक करते हैं, लाइक एंड शेयर। तो देखिए अब देखिए लाइक टर्म है तो आपको भी अच्छा लगे तो आप भी लाइक करिए। तो लाइक टर्म क्या है आपको जैसे दे दिया, एग्जांपल में सीधा बात करता हूँ, आपको दिया 5y, ठीक है, 5y, 6y, ये क्या है? लाइक टर्म। ये कैसे है? लाइक, क्योंकि वेरिएबल जब सेम होते हैं तो हमारे वो लाइक टर्म होते हैं। अगर यहाँ पर स्केल लगा, यहाँ भी स्केल लगा, तो ये कैसे टर्म हो गए? लाइक टर्म हो गए। ओके, अब बात करते हैं अनलाइक टर्म की। बात करते हैं किसकी बात करते हैं? अनलाइक टर्म की बात करते हैं। यहाँ हमारा 3x लिखा, यहाँ हमारा 4y लिखा है, ये कैसे टर्म हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। पूरे वेरिएबल ही डिफरेंट है, दैट इज अनलाइक टर्म। अब कोफिशिएंट की से बात करते हैं, यहाँ पर हमको लिख दिया गया 9xy लिखा गया, ठीक। कोफिशिएंट का हिंदी होती गुणांक, जो कोफिशिएंट की हिंदी होती वो क्या होती? गुणांक होती है। और ये गुणांक करता क्या है कि आपको टर्म दिया जाता है, क्या दिया जाता है? टर्म दिया जाता है। उस टर्म में क्या होता है कि वो ये कहेगा एक्स वाई को कोफिशिएंट बताए, तो आप 9 बताएंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, वो आपसे कहे एक्स वाई का कोफिशिएंट बताए तो 9 होगा, और अगर ये कह दिया जाए कि 9 का कोफिशिएंट क्या होगा तो एक्स वाई होगा। बस इतना ध्यान है, जिसका कहा जाता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई ग्रुप में होता है वो उसका गुणांक हो जाता है, ये ध्यान है। 9 का कोफिशिएंट एक्स वाई, एक्स वाई कोफिशिएंट 9। ओके स्टैंड, अब लिटरल कोफिशिएंट की बात करते हैं। लिटरल कोफिशिएंट क्या करता है? लिटरल एक वेरिएबल का ही पार्ट है, लिटरल एक वेरिएबल पार्ट है, इसमें सिंबल यूज होता है। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए 5BXY है, तो आपसे कहा जाए लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, तो 5B होगा, ये XY वेरिएबल में चला जाएगा और 5B जो होगा लिटरल कोफिशिएंट में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग फिर बात करते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल होता क्या है? पॉली क्या होता है? पॉली मींस होता है मैनी, पॉली मींस क्या होता है? मैनी। और नोमियल मींस क्या होता है? नोमियल मींस होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। यानी पॉलीनोमियल की हिंदी होती बहुपद। क्या होती है? बहुपद। यानी एक से ज्यादा जहां पद मिले वो क्या कहलाता है? बहुपद। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बहुपद को? पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का हमने क्या कर दिया? संधि विच्छेद कर दिया, हिंदी में आ गया, तभी तो मैंने कहा मैथ इज क्लियर, ऑल सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्लियर। तो देखिए पॉली, पॉली का संधि विच्छेद करेंगे तो पॉली को हमने क्या लिखा? मैनी। यानी पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। और नोमियल का मीन्स क्या होता है? टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स होता है। अब पॉलीनोमियल हमारा 3 पार्ट्स में होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। देखिए मोनोमियल क्वेश्चन बात करते हैं, इसमें 1 टर्म होता है, इसमें कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? 5x, या फिर आपको कहीं 5x² y मिल जाएगा,
है ना, या आपको 7x मिल जाएगा या आपको सिर्फ 7 ही मिल जाएगा। तो दैट इज क्या, मोनोमियल टर्म। मोनोमियल में वन टर्म होते हैं, बाइनोमियल में इसमें टू टर्म होते हैं। क्या होते हैं? टू टर्म होते हैं बाइनोमियल में। दिखा देता हूँ, ये प्लस से हटा दे तो वन और टू, दैट इज बाइनोमियल, बस काउंट किया जाता है। ट्राइनोमियल में थ्री टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में कितने टर्म होते हैं स्टर्म्स? थ्री टर्म होते हैं। कितने स्टर्म टर्म होते हैं? थ्री टर्म। यहाँ पे मैं फिर प्लस सिक्स अप्लाई कर देता हूँ, वन टू थ्री, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल है। अब इसमें बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, यानी टर्म के फैक्टर्स कैसे करते हैं। किसी इक्वेशन कोई दे दी जाए और उसको फैक्टर कैसे किया जाए, है ना। तो देखिए, आपको दिया है माइनस फाइव वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसमें दो टर्म है, वन और टू, और ये कौन से टर्म में आता है? बाइनोमियल टर्म है। कौन से टर्म स्टर्म्स है? बाइनोमियल। लेकिन हमें बाइनोमियल टर्म्स को फैक्टर्स करना है, यानी उसके गुणन खंड करने है। क्या करने है? गुणन खंड करने है। इतनी बात को क्लियर हो रही कौशिक वर्मा? अच्छा, तो आपका ये क्या आया? माइनस फाइव वाई स्क्वायर आया, और ये क्या आया? प्लस का सिक्स एक्स वाई आया। इतनी बात भी क्लियर हुई होगी, यानी ये माइनस फाइव वाई स्क्वायर और सिक्स एक्स वाई, ये आपके क्या है? टर्म है। इन्हें हम क्या बोलेंगे? टर्म। क्या बोलेंगे? टर्म। अब इन टर्मों के फैक्टर्स करने, क्या करने? फैक्टर्स करने। तो माइनस फाइव वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर माइनस फाइव लिख लिया, वाई की पावर टू, जैसे वाई और वाई दो बार लिखे, अगर थ्री होता तो एक वाई और लिखते। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स एक्स वाई क्या है? सिक्स लिखा, एक्स लिखा, वाई लिखा, ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। ये इसके क्या है? फैक्टर्स हैं। अब इसमें बात करते हैं न्यूमेरिकल कोफिशियंट की बात करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशियंट जब अलग सिंगल लिख के दिया जाता टर्म में मोनोमियल होता तो बहुत जल्दी स्टन हमारे कर लेते हैं, लेकिन जब वो हमें इक्वेशन में दिया जाता है तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो वो कंफ्यूजन अभी क्लियर आपका मैं करता हूँ। तो देखिए, न्यूमेरिकल कोफिशियंट में क्या है? सेवन प्लस फोर एक्स स्क्वायर है। तो देखिए, सेवन प्लस फोर एक्स स्क्वायर है, तो इसमें देखिए न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है? हाँ, न्यूमेरिकल जो कोफिशियंट होते हैं वो कोफिशियंट के साथ होते हैं, कॉन्स्टेंट के साथ नहीं होते हैं। जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट होते हैं वो कॉन्स्टेंट के साथ नहीं, कॉन्स्टेंट अगर सिंगल है जैसे यहाँ सेवन है तो ये न्यूमेरिकल कोफिशियंट में नहीं आएगा। फोर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या होगा? फोर। बस आपका आंसर हो गया, आप सेवन मत लिख दीजिएगा गलती से, क्योंकि सेवन के साथ वाई स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ सेवन के साथ वाई भी होता, कोई वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता, तो सेवन भी न्यूमेरिकल कोफिशियंट में आ जाता। हम लोग बात करते हैं, आपको इक्वेशन दी है माइनस फोर अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन वाई प्लस टेन दी हुई है। इसमें आपको बताना न्यूमेरिकल कोफिशियंट कौन है। देखिए, वाई के साथ टू अपॉन सेवन है और एक्स स्क्वायर के साथ माइनस फोर अपॉन फाइव है, तो माइनस फोर अपॉन फाइव कामा टू अपॉन सेवन, ये क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशियंट है। ये क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशियंट। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसे आपको तैयार भी करना है, जिससे आपको इससे आने वाले जो पार्ट वन था ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को आप करें। एनी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें। और जय हिंद, जय भारत।